हमारे को नई वीडियो में। एंड इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप टेनिस बॉल से अपनी बॉलिंग स्पीड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है जितने भी क्रिकेटर हैं जो टेनिस बॉल से खेलते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बेसिकली इंडिया में दो तरीके की टेनिस बॉल होती हैं, एक तो ये ग्रीन और दूसरा रेड। तो आप कोई भी बोलो, फर्क नहीं पड़ता। जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो आपको ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट मान लीजिए अगर रेड टेनिस बॉल है तो रेड टेनिस बॉल को आपको करना है कि जब रनअप ने स्टार्ट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है रनअप जब बॉलिंग स्पीड की बात आती है, तो रनअप आपको हमेशा स्टार्ट करना है बॉडी वेट कुछ इस तरीके से आगे रख के। जब बॉडी वेट आपका आगे की तरफ रहेगा तो हमेशा बॉल बॉडी है जो आपकी तरफ, जिस तरफ आपकी बॉडी स्विंग होगी उस तरफ बैठ जाएगा। इससे आपको मदद मिलेगी बॉल स्पीड तेज कराना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आगे की चीज़ जो आपको डिस्कस करनी है, जब भी आप रनअप करें तो जिस लाइन में ये आगे वाला पैर जाएगा उसी लाइन में ये सेकंड पैर जाएगा, उसके बाद थर्ड पैर जाएगा। तो रनअप एकदम बिल्कुल स्मूथली होना चाहिए, कुछ इस तरीके से बिल्कुल एक लाइन में दोनों पैर चलने चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रनअप में जो मैंने आपको बता दी। सो गाइस, रनअप के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आपका एक्शन। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा, बॉलर के एक्शन अलग अलग होते हैं, मैं आपको प्रेफर करूंगा जब आप एक्शन लें तो आपकी बॉडी थोड़ी साइडवेज रहे। जब बॉडी साइडवेज रहेगी और जब हाथ ऊपर जाएगा तो आपको ज़्यादा मदद मिलेगी बॉल को पेस करने की। इससे आपकी बॉलिंग स्पीड ज़्यादा तेज़ी से जाएगी क्योंकि आप साइडवेज एक्शन है, क्रिकेट पूरा गेम ही साइडवेज का है। तो एक्शन, बॉलिंग एक्शन भी आपको कुछ साइडवेज ही रखना है। आप साइडवेज रखते हुए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है आपको जब बॉल को ग्रिप करना है तो रिस्ट है आपकी लॉक रहनी चाहिए कुछ इस तरीके से, आपको ऐसी नहीं रखनी है। इससे क्या होगी, जब आप रिलीज करेंगे तो आपकी बॉलिंग स्पीड कम हो जाएगी। आपको जो रिस्ट है उसे लॉक रखना है, तब जाके आपकी टेनिस बॉल जो बॉलिंग स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। अब इसके बाद बस इतना ही काम करना है, आपको एक्शन लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक बार मैं फिर से तीनों चीज़ बता देता हूँ। पहले आपको स्मूथ और स्ट्रेट रनअप लेना है, उसके बाद आपको बॉडी वेट आगे लेके चलना है और एक्शन साइडवेज होना चाहिए और रिस्ट लॉक रखनी है। ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब भी बात आती है बॉलिंग स्पीड टेनिस से बढ़ाने के लिए। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मैंने आपको क्लियर से डिफाइन कर दिया कि आप कैसे अपनी बॉलिंग स्पीड टेनिस से बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए ऐसे ही क्रिकेट से रिलेटेड शानदार वीडियोज लाता रहता हूं। तो मिलता हूं एक और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए खेलो इंडिया, बढ़ो इंडिया।